देवास जिले के बागली में इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर दक्षिण दिशा में स्थित चंद्रकेश्वर धाम शिव भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर शिवलिंग 12 माह जलमग्न रहता है। गोमुख से निकलने वाली जलधारा निरंतर शिव का अभिषेक करती है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे हुए चंद्रकेश्वर धाम पर पूरे वर्ष भक्तों का तांता लगा रहता है। श्रावण मास में भगवान शिव का दर्शन करने का विशेष लाभ यहाँ पर प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर चमन ऋषि ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी और वे प्रतिदिन माँ नर्मदा स्नान के लिए जाते थे। एक दिन माँ नर्मदा ने चमन ऋषि को दर्शन देकर कहा कि अब मैं खुद यहाँ पर अवतरित हो जाऊँगी और शिवलिंग का जलाभिषेक करूँगी। तभी से यह शिवलिंग हमेशा जलमग्न रहता है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के अलावा प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए यहाँ पर आते हैं और पूरा श्रावण चंद्रकेश्वर के कावड़ यात्रा निकालते हैं। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। क्या मान्यता और यहाँ पर क्या सावन के माह में क्या विशेष रहता है? ये चवन ऋषि की तपोस्थली है। यहाँ पर चवन ऋषि ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या से खुश होकर माँ नर्मदा जी ने यहाँ दर्शन दिए और यहाँ से चंद्रकेश्वर नदी का उद्गम स्थल भी है और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला भी लगता है नवरात्रि में। और यहाँ पर सोमवार के दिन हजारों की संख्या में महिलाएं और भक्त सुबह 5 बजे से आना चालू हो जाते हैं क्योंकि ये भक्तों का तांता दिन भर चलता रहता है। और यहाँ पर ग्राम पंचायत शिवलिंग वर्ष भर पानी के अंदर ही रहते हैं। यहाँ पर पानी की धारा बहती रहती है वर्ष भर और यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा ही रहता है 12 महीने ही। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।